तो एकदम लो एक्सपेक्टेंसी के साथ मैंने इस मूवी को देखना शुरू किया। कोई भी उम्मीद नहीं थी इस मूवी को लेकर कि हाँ ये अच्छी निकलेगी या बुरी निकलेगी, बस ऐसे ही मन किया। इसका एक नाम जो है मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, इसलिए एक रीजन ये भी था। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कुरेला मूवी के बारे में, जो इसकी लेंथ है तकरीबन 2 घंटे के आसपास है। और मैंने ये जो मूवी देखी बिना इसके ट्रेलर, मतलब इसका ट्रेलर नहीं देखा था, उसके मतलब एक होता है ना क्या, बिना ट्रेलर के अगर आप मूवी देखते हो तो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग आपको लग जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, जितनी भी मैंने बिना ट्रेलर के मूवी देखी है, मतलब ट्रेलर उनका नहीं देखा, सीधा मूवी ही देखी है, तो वो एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। शायद ये ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं होती, इवन जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि यार ये मूवी है वो इस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ यार इस मूवी की स्टोरी जो वो ये होने वाली है, तो थोड़ा बहुत हमें वहां पर इंटरेस्ट कम होने का डर रहता है। और जब हम ट्रेलर नहीं देखते हैं और फिर मूवी देखने चले जाते हैं सीधा, या मूवी देखने बैठ जाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, तो यहां पर हमें ये होता है कि यार ये मूवी किस मोड पर जाने वाली है, इसमें क्या स्टोरी होने वाली है, तो ये इंटरेस्ट बढ़ा देती है। ये ह्यूमन नेचर है, मैं ऐसा फील किया है, शायद आप लोगों ने ऐसा फील किया है नहीं किया प्लीज ये बता देना कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे जब रैंडमली मैंने मूवी उठाता हूं तो इंटरेस्ट बन जाता है, लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ। रीजन शायद ये हो सकता है क्योंकि ये फैशन डिजाइन वाली जो मूवी है तो ये मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है। ओके, तो अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है एस्टेला और उसका दूसरा नाम है कुरेला, मतलब एक ही लड़की के अंदर 2 पर्सनैलिटी है। अब ये पर्सनैलिटी वाला थोड़ा सा इसके अंदर अजीब सा है, अजीब का मतलब कि इन्होंने अच्छे से डेवलप नहीं किया, या हमें बताया नहीं कि हाँ कब कौन क्या करने वाला है, कब कौन बाहर आने वाला है, बस इन्होंने बता दिया ये एस्टेला है ये कुरेला है। एस्टेला अच्छी है, वो अपने सपने को पूरा करना चाहती है, मतलब फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। कुरेला बुरी है, खतरनाक है। अब इसकी मां की डेथ हो जाती है, अब डेथ होने के बाद ये लंदन में अकेली 2 लड़कों के साथ रह रही होती है बचपन से ही। यहां पर ये चोरी करना सीखती है, फिर ये बड़ी होती है तो इसका एक सपना तो जैसे मैंने बताया फैशन डिजाइनर का होता है, अभी एस्टेला ही चल रही है। तो ये बड़ी होती है तो एक फैशन डिजाइनर की कंपनी में काम करना शुरू करती है, वहां पर चीजें अप एंड डाउन होती हैं जिसकी वजह से एस्टेला को जाना पड़ता है, कुरेला को आना पड़ता है और कुछ सस्पेंस आते हैं हमारे सामने। ओके, सस्पेंस के मामले में सच कहूं ये मूवी मुझे पसंद आई। एक लास्ट में कुछ सस्पेंस खुलता है, उस सस्पेंस को मैंने उम्मीद नहीं की थी ऐसा होने वाला है और वो वास्तव में काफी अच्छा लगा मुझे। ओके, वो सस्पेंस क्या है, मूवी के अंदर क्या अप डाउन आते हैं, एस्टेला को क्यों जाना पड़ता है, कुरेला को क्यों आना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी होगी। ओके, अब मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मुझे मूवी कैसी लगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यार जो मैं ट्रेलर नहीं देखता हूं तो वो मूवी होता है यार इंटरेस्टिंग लग जाती है, लेकिन ये जो चीजें इसके अंदर क्वाइट मिसिंग थी यार, सच में इसमें मिसिंग मुझे लगी। अब रीजन जैसे मैंने कहा कि फैशन डिजाइनिंग वाली जो मूवी होती है ना उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम बनता है यार, शायद प्रभाव होता है यार ऐसा, शायद मैं हूं शायद इस वजह से। बाकी मूवी के जो डायरेक्शन है वो मुझे काफी पसंद आया, और इसके अंदर जो मुझे वीकनेस जो लगी वो एस्टेला और कुरेला के जो ये पर्सनैलिटी जो दिखाई गई है उसके अंदर थोड़ा बहुत मुझे डाउट सा लगा कि यार ये कब कुरेला आ रही है, कब एस्टेला जा रही है, इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, क्या मतलब ये जो चीजें हैं ये इन्होंने अच्छे से डेवलप करके नहीं दिया। यहां पर आप जब देखोगे कि एस्टेला चली गई अब कुरेला आ गई है तो एकदम लोगों कहते हैं कि यार हमें एस्टेला पसंद थी, अरे यार बता तो वो गई कब, मतलब कैसे कह सकते हो कि कुरेला आ गया, बस उसने बात करने का ढंग अलग कर दिया इस वजह से। और इसमें 2 करेक्टर हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एस्टेला जब बचपन में इसकी मां गुजर जाती है तो ये 2 बच्चों के साथ 2 लड़के होते हैं जो अनाथ होते हैं उनके साथ ये रहना शुरू करती है, तो ये 2 करेक्टर मुझे पसंद आए थे, ये दोनों बच्चे मुझे पसंद आए थे, लेकिन इनके बारे में ज्यादा इन्होंने बताया नहीं, ज्यादा इनको टाइम नहीं दिया, बस हाँ एक बार साइड में ही रख दिया, तो ये चीज मुझे थोड़ी बुरी लगी यहां पर। जब मैं मूवी को देखने था तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था कि हाँ एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जैसे बैकग्राउंड में उसके बारे में स्टोरी बताई जा रही है तो वो अच्छा लग रहा था, स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा, वो इमोशनल भी कर देती है, लेकिन धीरे धीरे ये मूवी है ना अपना इंटरेस्ट खोती चली जाती है। और अब जो एंडिंग आती है वो भी मुझे यार थोड़ी बहुत अजीब सी लगती है कि यार हाँ हमें बस ना चाहते हुए भी उस एंडिंग के ऊपर बिलीव करना पड़ता है कि हाँ यार मान लो क्योंकि हमने ऐसी एंडिंग कराई है, वरना यार थोड़ा सा अगर उसके ऊपर गौर करें तो वो इतनी जस्टिफाई एंडिंग नहीं लगती है। अब इतनी सारी मैंने बुरी बातें बोल दी हैं तो अब जो इस मूवी को पसंद करने वाले हैं वो मेरे ऊपर चढ़ मत जाना यार, क्या यार तुझे नहीं पता कैसे मूवी देखी जाती है, तुझे तेरा इंटरेस्ट ऐसा है, यार मैंने
कहा ना यार, मुझे इस टाइप की थोड़ी मूवी कम पसंद आती है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी वहां पर बता दिया है। अगर जिनको पसंद आती है वो अच्छी बात है, वो जाकर इसको देख सकते हैं। तो मुझे वो मूवी इतनी पसंद नहीं आई। अब थोड़ी बहुत अच्छी बातों की भी बात कर लेते हैं। देखो यार, इसके अंदर अच्छी बात जो है कि कहानी आपको अच्छी लगेगी, डायरेक्शन इसका अच्छा है, परफॉर्मेंस इसके अंदर अच्छी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको वन टाइम वॉच तो आप कर ही सकते हो, कि मतलब एक टाइम आप इसको देख सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5/10 स्टार। हाँ, ये आपको काफी सारी भारत की काफी सारी भाषाओं में मिल जाएगी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इन सब भाषाओं में आप लोगों को मिल जाएगी। और डबिंग भी काफी अच्छी है, ना इसके अंदर कोई एडल्ट सीन है, ना कोई इसके अंदर वल्गर है, ऐसी कुछ चीजें इसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। तो भले ही क्वाइट फैशन वाली चीजें होती है, लेकिन इसके अंदर वो सब चीजें नहीं रखी, जो अच्छी चीज है। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख सकते हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक तरफ बुराई कर दिया, बोल रहा हूँ जाकर देख लो। खैर, जैसा आप चाहो जाकर कर सकते हो, या आपकी आपकी आजादी है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी सोच है, जैसा भी, बस बस इतना ही बहुत रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।